अस्सलाम वालेकुम जी जनाब। ये अब मैं ये आपको बता रहा हूँ कि किस को कैपेसिटर जो है वो कितने माइक्रोफैरड का लगेगा और कितने वोल्टेज का लगेगा, ये मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। ये आप नोट कर लें, ये देख लें, ये देखें, ये काम सादा सिंपल ये ट्रांसफार्मर है। ये वाला प्राइमरी आउटपुट हम इसे देते हैं, यहाँ से 220 मिलती है आउटपुट, इसे मिलती है इनपुट, सॉरी इनपुट 220 मिलती है यहाँ से, इनपुट 220 से लेके यहाँ पे। अब यहाँ पे एसी ही निकालने, इसने ये एसी का निशान बना हुआ, एसी वोल्टेज निकालने हैं 12 वोल्टेज। ये 1 एम्पेयर का है, 1 एम्पेयर का ये है। यहाँ से मैंने ये रेक्टिफायर यहाँ पे लगा दिया, ये देखे दो रेक्टिफायर ब्रिज बन के लग गई है। ब्रिज के बाद यहाँ पे वोल्टेज आएंगे, ये कैपेसिटर लगा दिया हमने। ये अभी हम फाइंड आउट करेंगे ये वो इसके जो माइक्रोफेरड है और ये वोल्टेज कैसे हमने निकाले। सबसे पहले ये बात होती है कि यहाँ पे एक ये काम जब भी काम करता है ना ये ब्रिज, यहाँ पे ये और ये रेक्टिफायर काम करेंगे 1 हाफ साइकिल में, और ये काम करेंगे। जब हम इसको पीक टू पीक वोल्टेज निकालेंगे ना, इसको पीक टू पीक वोल्टेज निकालने का फार्मूला है, जब यहाँ पे डीसी हो जाए ना, रेक्टिफिकेशन सिंगल हो जाए इसके, 12.0414 किया मैंने इस पे। जब इस पे किया तो इसका ये जवाब आ गया, ये अब इसके वोल्टेज पीक टू पीक वोल्टेज कितने आए हैं ये देखें। ये हैं 16 अशारिया, ये कुछ वोल्टेज इस पे आप हो गए हैं, मतलब बन गए हैं। ये है पीक टू पीक वोल्टेज 9.68 वोल्टेज, इसके पीक टू पीक वोल्टेज है। अब ये पीक टू पीक वोल्टेज आ गया, लेकिन कोई भी रेक्टिफायर है जब ये लगता है ना, यहाँ पे ये लगता है, ये करंट को डाउन करता है, इसमें से करंट रिमूव होता है, कम होता है। ये देखें, ये मैंने लगा दिया, ये देखें ये करंट इसका कितना आ गया है, ये वोल्टेज आ गया 0.7, इसने कम किया 1 में 0.7, दूसरे ने कम किया, दोनों होके ये वोल्टेज इसके कम हो गए 1.4 वोल्टेज, दोनों में से कम हो गई रीडिंग, कम आ गई। ये जो पीक टू पीक वोल्टेज आए हैं, ये यहाँ पे जब पीक टू पीक वोल्टेज आएंगे ना, यहाँ पे जब ये वोल्टेज यहाँ आपके आ जाएंगे, फिर आपने ये इसमें से माइनस कर देने हैं वोल्टेज। जब माइनस हो गए, आप आ गए ये वोल्टेज, ये आपके परफेक्ट वोल्टेज ये यहाँ पे हमें मिलने चाहिए, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये देखें ये यहाँ पे आ गए। इसके बाद इसमें से हम 30% इसको बढ़ा देते हैं वोल्टेज को, 30%। जब 30% वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो इसके हिसाब से ये वोल्टेज आपके बनेंगे, 30% ज़्यादा कर देने वोल्टेज, 20.23 वोल्टेज इसके आ गए, जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। यहाँ पे ये आपके निकल आए हैं कि इसको कितने वोल्टेज का कैपेसिटर दरकार है, या कितने वोल्टेज का कैपेसिटर लगेगा। ठीक है, ये आपके वोल्टेज यहाँ पे मैंने मेजरमेंट हो गए आपके, ठीक है, ये वोल्टेज यहाँ पे आपके ये आ गए हैं, ताकि आपका वोल्टेज के हिसाब से आपको कैपेसिटर का पता चल गया कि यहाँ पे कि कैपेसिटर जो है ये इतने वोल्टेज का कैपेसिटर लगेगा, इतने वोल्टेज का कैपेसिटर लगेगा। इसके बाद आपने जब ये वोल्टेज आपके निकल आए, इसके बाद मसला आ गया है कि हमने ये देखना है कि इसको कितने माइक्रोफेरड का भी चाहिए साथ। इसके बाद ये देखें, हमने यहाँ पे ये फार्मूला इसका होता है, ये है 1 एम्पेयर जो है, जो 1 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर जितना भी हो उसके हिसाब से ये एम्पेयर आ गए। ये इसके आगे हैं मिली सेकंड, जो साइकिल है हाफ साइकिल, ये देखें ये एक फार्मूला होता है, ये जो साइकिल होते हैं ना इसके हाफ साइकिल, क्योंकि इधर हाफ साइकिल होगा, हाफ साइकिल 10 जो है ना मिली एम्पेयर पर सेकंड होते हैं, ये वाले वैल्यू इसकी होती है। ये वैल्यू मैंने यहाँ पे टी से ज़्यादा होती है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया टी, ये इसकी वैल्यू लिख ली है, ये इतनी ही रहेगी, कोई भी हो ना सर्कल इतना ही होगा, इतना ही रहेगी, इसमें नहीं फर्क आएगा। उसके बाद ये देख लें, उसके बाद ये है कि इसमें जो हमने दिया है सिस्टम, ये है कि इसमें जो वोल्टेज इसने किस चीज़ के आगे लगाने, वो कितने वोल्टेज पे चलेगी और कितने वोल्टेज ड्रॉप होंगे। इसके बाद ये मसला आ गया, ये मैंने इस पर 78.5 ये लगाया है, ये वोल्टेज यहाँ से हमने ये वोल्टेज दिए, और ये डाउन से डाउन वोल्टेज 7.5 या 7 वोल्टेज तक काम करेगा, 78.5 है ना जो आपका, ये देखें 7 वोल्टेज तक आउट 5 निकाल लेगा। ये इसके हिसाब से कोई भी जगह जाहिर आगे चीज़ तो आपने लगानी है ना, उसके हिसाब से ये मेजरमेंट होगा ना। ये देखें, ये मैंने ये अप वोल्टेज है ये इतने हैं, या डाउन वोल्टेज ये देखें ये इतने 7 हो गए, इस पे के दरमियान में हमने इससे काम लेना है।
ताकि ये खराब ना हो और ये मसला ना पेश आए। इसके बाद हमने क्या करना, क्या इसमें इसमें से जिस वोल्टेज में से इसमें से दोनों में से जब हमने इस हाई फुल वोल्टेज से ये निकाले तो यहाँ पे 7 वोल्टेज की कमी आ गई, 7 वोल्टेज मतलब कम हो गए। 7 यहाँ से निकाले, जब इसमें से 7 वोल्टेज माइनस कर दिए, ये 7 है ना, 7 वोल्टेज माइनस किए, 8.568 वोल्टेज आ गए। अब मैंने इसको इसको अब इससे किया तो जरब ये आ गया, इसका नीचे दिखाई इस ये आ गया। इसके बाद ये जो वोल्टेज है ये मैंने यहां पे लिख दिए। इसके बाद इसको तकसीम करने के बाद इसके मैक्रोफेरड ये आ गए, ये मैक्रोफेरड इसके निकल आए। लेकिन इसमें अब मैक्रोफेरड के हिसाब से क्या होगा कि इतने मैक्रोफेरड अगर आप लगाएंगे, क्योंकि बिजली जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती, कभी वोल्टेज अप और डाउन हो जाते हैं ज्यादा कम होने की वजह से। ये मैंने इसको 50% ये 50% तक मैंने इसको इससे 50% अप कर लिया, इसको 50% से कर लिया, इसको इस फिगर को 50% अप किया तो 17.50 आ गए। यहाँ पे अब ये निकली हमारी जो इसमें स्पेसिफिकेशन आ गई है कि 20 वोल्टेज 20.23 वोल्टेज और इतने माइक्रोफेरड का कैपेसिटर यहाँ पे लगेगा। ये लगाने का तरीका आ गया, निकल आया सारा फार्मूला निकल आया कि यहाँ पे कैपेसिटर कितना लगे। लेकिन इसमें एक वजह यह है कि इसके साथ कैपेसिटर जो मार्केट से मिलेंगे वो नहीं मिलेंगे आपको इस नंबर के, इससे आप थोड़ा सा ज्यादा लगा दें। इसमें लगेगा अब 2200 UF लगेगा माइक्रोफेरड, सॉरी माइक्रोफेरड 2200 माइक्रोफेरड और 25 वोल्टेज ये लगेगा DC, ये लगेगा क्योंकि ये जो है ये मार्केट से अवेल नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिल सकता। ये पूरा जो है ना डाटा, ये सिस्टम है, ये हमारा पूरा एक सिस्टम है जो हमने जिसके हिसाब से आप एक अच्छी अच्छी तरह कैलकुलेशन उसकी कर सकते हैं कि कितने वोल्टेज का कैपेसिटर लगेगा और कितने माइक्रोफेरड का लगेगा। यह पूरा फार्मूला है इसका, ये नोट कर लें, इसको अच्छी तरह समझ लें, ये आपके हमेशा काम आने वाली चीज़ है, इसको अच्छी तरह समझ लें, लिख लें, ये बहुत बहुत काम वाली चीज़ है ये। लेकिन ये मुकम्मल फार्मूला मैंने आपको दे दिया, मुकम्मल है ये, इसमें कोई भी किसी तरह की इंशाल्लाह कमी नहीं है इसमें। ये चेक कर लें आप इसे ज़रा देख।